मुझे बहुत मिले हैं, यही नहीं मिले, हर जगह मिले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन राजा बेटाओं को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वहां पे महिलाओं का शोषण करने का प्रचलन था, लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था, चुप करा के भगा दिया जाता था। इसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई तो यही वंशवादी, यही परिवारवादी कुछ पप्पू जो शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं, इन्होंने मुझे डराया, मुझे धमकाया, यहां तक कि मुझे नोटिस भेजा और मुझे जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन्होंने मुझे खत्म नहीं किया, मैंने अपनी फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। मैंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जिनमें से मैंने हीरो ही खत्म कर दिए। और मेरा साथ किसने दिया? मेरा साथ इस भारत की जनता ने दिया, एक एक नागरिक ने दिया, और फिर भी मैंने फिल्मों को सफल बनाया। फिर एक और पप्पू मेरी जिंदगी में आए, उद्धव ठाकरे, जिन्होंने मुझे फिर डराया, फिर धमकाया, यहां तक कि उन्होंने मेरा घर तक तोड़ दिया। लेकिन आज वो भी ये तमाशा देख रहे हैं कि उनके जैसे उनकी जाति के कितने बिगड़े हुए बिगड़ैल मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस मंच पे हूं और फिर भी मेरे पास पूरा जनता का साथ है। तो मैं इस मनाली की धरती से, माता हडिंबा की धरती से ये प्रण लेती हूं कि मैं यहां वापस आऊंगी, और आप लोग जब मुझे विजय बना के यहां वापस लाएंगे तो हम अपनी बेटियों के लिए और अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनाएंगे कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में लड़कों के साथ चलेंगी और बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नया भारत है कितनी तेजी से विकास कर रहा है, कितनी तेजी से विकसित हो गया है, और हम अभी भी वही फंसे हुए हैं कांग्रेस की झमेलों में। अब ये बात गई, ये बहुत पुरानी बात है, ये कांग्रेस की बात बहुत पुरानी बात है, इनके झांसे में बिल्कुल मत आइए। इन्होंने आपकी मासूमियत का और आपकी शराफत का फायदा ही उठाया है। कहां मिले आपको 1500 रुपए, कहां मिली आपको नौकरियां? इन लोगों के झांसे में मत, सारे देश ने इनसे मुंह फेर लिया है। अब आप लोग वापस उस दुनिया में मत जाइए जिस दुनिया में हमारा भारत भ्रष्टाचार से, गरीबी से और करप्शन से पूरी तरह से पीड़ित था। वापस उस जगह मत जाइए। अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं, वो करप्शन की महामारी से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। कहां तो हम 11वें नंबर पे थे, अब हम 5वें से 3वें से पहले नंबर की बातें कर रहे हैं। ऐसी इकोनॉमी हम बन रहे हैं। नेशनल हाईवे यहां पे देखिए, मनाली में क्या कितने सारे रोड्स आ गए हैं। हमारी जो बहने हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनको शौचालय से लेकर, मकान से लेकर, गैस सिलेंडर से लेकर, पानी के कनेक्शन से लेकर, बिजली से लेकर, अरे इन्होंने तो, कांग्रेस वालों ने तो बिजली का कोयला तक खा लिया। हर स्कैम से, हर करप्शन ने इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। जब आजादी के 70 सालों तक भी हजारों गांवों में बिजली नहीं थी और वो बिजली गांव में लाकर दी नरेंद्र मोदी जी ने। जब सब कुछ ही हमें नरेंद्र मोदी देते हैं तो हम फिर किसी और को वोट क्यों दें? दोस्तों, ये हमारा बहुत बड़ा मौका है, ये हमारा वो मौका है जब आपको अपनी बेटी को आगे करके, देखिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो सेंटर से कनेक्टेड होता है, और सेंटर में जिसकी सरकार होगी काम तो वही कर पाएगा। और ये सारा दुनिया जानती है, सिर्फ भारत नहीं, सारी दुनिया जानती है कि आएगा तो मोदी ही। तो दोस्तों, जब हमें पता है कि आएगा तो मोदी ही, तो आपने अपनी सेविका को भी पूरा मौका देना है। और ये जो लोग कहते हैं कि आती है और ढिंचक करती है, मैं उस बंदे को बुलाना चाहती हूं और उसको अपनी फिल्म का मैं एक सीन दूंगी, और अगर वो मेरी फिल्म का वो सीन कर दे तो राजनीति को क्या, मैं भारत छोड़ के चली जाऊंगी।
जाओगे। कला हमें नहीं चुन, हम कला को नहीं चुनते हैं, कला हमें चुनती है। कला साक्षात सरस्वती है, सरस्वती को कोई नहीं छोड़ता, सरस्वती ही मनुष्य को छोड़ती है। तो वो मुझे क्या बताते हैं कि मैं क्या हूं। मैंने उनको चुनौती दी है, मुझे कहते हैं इसको क्या राजनीति आती है। अरे मैं पूछती हूं तुम्हारे पास क्या डिग्री है राजनीति की, मुझे दिखाओ। तुमने राजनीति में डॉक्टरेट की है क्या, क्या आता है तुम्हें, मुझे दिखाओ वो डिग्री। राजनीति एक भाव है, सेवा करने का एक भाव है, जो राजा में आ सकता है, रक्त में आ सकता है, अनाड़ी में आ सकता है, भिखारी में आ सकता है, नारी में आ सकता है, बच्चे में आ सकता है। राजनीति सिर्फ एक भाव है। तो मुझ में आ गया, तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले कि मुझे राजनीति आती है कि नहीं, मुझे राजनीति आती है कि नहीं, मैं लोगों की सेवा करूंगी कि नहीं, ये लोग जानना चाहते हैं। इनकी ये इच्छा पूरी की जाएगी 4 जून के बाद में, इनको डेमो दी जाएगी कि मैं कैसी राजनीति करती हूं, मुझे राजनीति आती है कि नहीं, मुझे लोगों की सेवा करनी आती है कि नहीं। इनको डेमो दिया जाएगा और ये देखेंगे, और हम देखते रहेंगे, देखते ही रहेंगे। मैंने नहीं सोचा था कि ये गांव के लोग, इस शहर के लोग मुझे अपनाएंगे या अपना समझेंगे या अपना बनाएंगे। लेकिन देखिए क्या कार्तिकेय भगवान की कृपा हुई है, क्या माता हडिंबा की कृपा हुई है कि मेरे गांव से भी बढ़कर न जाने कितने लोग, कितने गांव मेरे साथ आगे जुड़ गए हैं। हमारे गांव सिंसा में कल हमने और मेरे पार्टी के लोगों ने, आप सब हमारे अपने ही हैं, एक छोटा भंडारा कार्तिकेय स्वामी जी के मंदिर में रखा हुआ है प्रोग्राम। तो आप लोग जो जो वहां आए, जिन जिन से बन पड़े, आप लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों हिमाचल में हमारे जो शिखर नेतृत्व है उनकी बड़ी योजनाएं हैं। उन्होंने हमें बिलासपुर में इतना बड़ा एम्स बना के दिया, आयुष्मान में हमें 5-5 लाख के फ्री के इलाज दे रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा में उसका हिमकेयर करके भी एक्सटेंशन किया हुआ है। फिर 3 नए नाहन में, हमीरपुर में, चंबा में मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए हैं, ऊना में पीजीआई सेटेलाइट सेंटर खोल दिया है, अटल इंस्टीट्यूट शिमला में खोल दिया है। ऐसे न जाने कितने काम हो रहे हैं दोस्तों। अब उन कामों में रुकावट नहीं आनी चाहिए। 400 पार का हमारा एक लक्ष्य है, 400 पार में एक मोती मंडी का भी होना चाहिए। हमें पता है कि ये भारत की जो जनता है, ये तीसरी कर्म जो है वो मोदी जी को एक इनाम के रूप में या एक भेंट के रूप में दे रही है। मोदी जी की झोली में हमें मंडी का मोती भी डालना है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।